मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका खोजी दोस्त हैप्पी त्रिवेदी स्वागत करता हूं नैनीताल से आपके अपने यूट्यूब चैनल हैप्पी त्रिवेदी व्लॉग में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम नैनीताल ट्रिप के लास्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 4 में आ गए हैं। अगर आपने अभी तक एक भी एपिसोड नहीं देखा है इस नैनीताल ट्रिप का तो ऊपर आई बटन पे शो कर रहा है, आप वहां से देख सकते हैं। सुबह हो चुकी है, बज चुके हैं इस समय 9 और सामने चल रहा है नैनीताल ग्राउंड में मैच। और ऐसे नज़ारे में मैच हो तो भाई मैच खेलने का मजा ही दुगना हो जाता है। क्या गजब के नज़ारे हैं। और मौका मिलता तो हम जरूर मैच खेलते, लेकिन हम लोग बहुत लेट हो गए हैं। सुबह उठना चाहिए था हम लोगों को सुबह 7 बजे करीब, लेकिन हम लोग बहुत लेट हो गए हैं। उसका कारण है कि हम लोगों ने कल रात में मॉल रोड पूरी छान मारी है, 1:30 बजे तक हम लोग जागे हैं। वो पूरा कंटेंट आपको पिछले वीडियो एपिसोड में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। अभी हम चलते हैं नैना देवी मंदिर और नैनीताल की ये सुबह की छोटी सी मार्केट जो बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं और सर्दी के आइटम बढ़िया मिलते हैं। और इधर खाने पीने का बेहतरीन आइटम मिलता है और हम खाने पीने के शौकीन आदमी हैं, तो पहले हम मंदिर जाएंगे, उसके बाद हम यहाँ भी आएंगे और बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें खाएंगे। तो पहले चलते हैं नैना देवी मंदिर। मंदिर के लिए प्रसाद ले लेते हैं। और ये है नैनीताल की फेमस बाल मिठाई, बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई है ये। तो अभी मंदिर में चढ़ाएंगे, उसके बाद खाएंगे, बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई है ये। तो चलते हैं मंदिर में। नैना देवी माता के दर्शन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ क्यों पड़ा इस मंदिर का नाम नैना देवी। यह एक मंदिर शक्तिपीठ मंदिर है, यहाँ पर माता सती के आंखें अर्थात नैन गिरे थे, इस वजह से इस मंदिर का नाम पड़ गया नैना देवी मंदिर। तो चलो मैं अब आपको ले चलता हूँ जल्दी से नैना माता के मंदिर और माता के दर्शन कराता हूँ। जय नैना माता, जय माता दी। यहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रिटी आते हैं, यामी गौतम आई हुई थी यहाँ पर, तो ये इस मंदिर की प्रसिद्धि बहुत है, यहाँ पर बहुत लोग आते हैं। और इस नज़ारे में जो मंदिर है उसकी बात ही अलग है। यहाँ पर ज़्यादा कैमरा अलाउ नहीं है, इस वजह से हम आपको बहुत छोटे छोटे अंश दिखा सकते हैं। तो चलो इंतजार खत्म करते हैं और चलते हैं जिसके लिए लोग इतनी दूर दूर से चले आते हैं, वो ताल के लिए। ये है वो नैनीताल जिसके लिए लोग इतनी दूर दूर से चले आते हैं। इसके बारे में विशेषता ये है कि ये नैना मतलब आंख की आकार का बना हुआ है, ऊपर से देखेंगे तो आंख की आकार का बना हुआ दिखता है, पहाड़ों के बीच घिरा हुआ ताल। यहाँ पर बोटिंग कर सकते हैं, मछलियाँ भी हैं, मतलब बहुत कुछ है। और जो व्यू मिलता है यहाँ से बहुत ही गजब का भी मिलता है। फोटो वोटो क्लिक करिए आप, बिल्कुल ऐसा लगता है दो पहाड़ के बीच से आपने फोटो क्लिक की है। इधर भी एक पहाड़ है, उधर भी एक पहाड़ है, बीच में आप हैं। और यहाँ पर रात को लगता है बर्फ़ गिरी है, ये देखिए दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर निशान, बर्फ़ इकट्ठा है, रात को बर्फ़ गिरी है। अभी हम आपको ले चलते हैं भगवान विष्णु के 10 अवतार मंदिर के पास, जहाँ पर हर एक अवतार के अलग अलग प्रतिमाएँ बनी हुई हैं। हम लोग आ गए हैं मंदिर से बाहर, नैनीताल भी देख लिया है। नैनीताल में हम लोग बोटिंग नहीं करेंगे, हम लोग जाएंगे हिमालय व्यू देखने। लेकिन उससे पहले मैं आपको मार्केट दिखा देता हूँ जो नैनीताल की मार्केट है, यहाँ पर क्या क्या मिलता है। मुझे तो शॉपिंग कोई नहीं करनी है, लेकिन आपको मैं दिखा देता हूँ इस छोटी सी मार्केट में क्या क्या मिलता है।
मार्केट तो मैंने आपको दिखा दी थोड़ी बहुत, लेकिन हम लोगों को लग रही है बहुत भयंकर वाली भूख, तो चलते हैं हम लोग कुछ खाते हैं चल के। तो हम लोगों ने यहाँ का प्रसिद्ध आइटम केचुल विद लाल खून ऑर्डर किया है और हम वो पेल रहे हैं, और पेलने के बाद हम निकल लिए हैं और हम अपनी हायाभूसा उठाएंगे और यहाँ से निकल लेंगे सीधे हिमालय व्यू के लिए। तब तक के लिए देखते रहो, हम आपको ले चलते हैं हिमालय व्यू। हम आप पहुंचे हैं हिमालय व्यू पॉइंट पर। यहाँ से आप देख सकते हैं कितने पर्वतमालाएं कितनी अच्छी अच्छी दिख रही हैं, पहाड़ कितने अच्छे दिख रहे हैं बादल पर रखे हुए। यहीं से दिखता है हिमालय व्यू पॉइंट। यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक रहता है, काफ़ी पतली रोड है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हौच पौच रहती है, बहुत जाम लगता है, यहाँ पर ट्रैफिक बिल्कुल अस्त व्यस्त रहता है। लेकिन यहाँ पर अभी इतना साफ मौसम नहीं है जिसकी वजह से अभी फ़ोन से नहीं दिख रहा, नहीं तो क्लियर हिमालय व्यू दिखता है। ये पहाड़ी ड्रेसेज हैं, यहाँ पर लोग पहन पहन के फ़ोटो भी क्लिक कराते हैं, काफ़ी अच्छा मतलब बढ़िया रखता है। ये टेलीस्कोप है, इससे आज दिख सकता है, लेकिन वैसे मतलब आज फ़ोन से नहीं दिख रहा है, आपको धुंध टाइप की दिख रही होगी सामने, वही है उसकी वजह से हमें नहीं दिख रहा। जो वाइट पीछे दिख रहा है वही है हिमालय पर्वत मारा श्रृंखला, आज धुंध की वजह से दिख नहीं रहा है। वैसे तो थोड़ा थोड़ा दिखता है, इतना क्लियर नहीं दिखता, टेलीस्कोप से ज़्यादा बढ़िया दिखता है। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, नहीं आ रहा है, बादल ही दिख रहे हैं, फ़ोन से इतना कहाँ दिख पाएगा, इतना अच्छा फ़ोन मतलब सैमसंग वाला S20 तो है नहीं जो पूरा जूम करके दिखा दे। ये मेरा फ़ोन OnePlus Nord 2 है, बढ़िया काम करता है। तो अभी हम चलते हैं अपने कैंची धाम में, हमारा जो लास्ट स्टॉप है, तो हम निकलते हैं कैंची धाम के लिए। हम पहुंच चुके हैं नीम करोली बाबा महाराज कैंची धाम के आश्रम, और इस आश्रम के बारे में या कैंची धाम के बारे में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा देश दुनिया विदेश में जो इसके बारे में ना जानता हो, क्योंकि यहां पर बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं। ऐसा नहीं है केवल इंडिया से ही लोग आए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं। मार्क जुकरबर्ग भी यहां पर आ चुके हैं, विराट कोहली रिसेंट अभी आए थे, बहुत सारे लोग यहां पर आ चुके हैं और इनके बारे में बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन कुछ चीज़ें लोगों को नहीं मालूम है, मैं वो आज आपको बताता हूँ। जैसे कि आपको बाबा का वास्तविक नाम नहीं पता होगा कि उनके माता पिता ने उनका नाम क्या रखा था, सबसे पहले नीम करोली बाबा ही नाम नहीं आ गया था, उनका नाम वास्तव में है लक्ष्मी नारायण शर्मा, जो उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म हुआ था सन 1900 को। और मैं बताता हूँ आपको कि बाबा का नाम नीम करोली बाबा कैसे पड़ा। तो बाबा एक बार ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, और बाबा के पास टिकट नहीं था, तो बाबा की टिकट चेक करने टीटी आया, उसने देखा कि टिकट नहीं है, तो उसने जुर्माना बताया, बाबा के पास रुपए भी नहीं थे, तो रुपए नहीं थे तो टीटी ने कहा कि मैं आपको अगले स्टेशन में उतार दूंगा। अगला स्टेशन पड़ा नीम करोली, तो नीम करोली स्टेशन आया और बाबा को उतार दिया गया। अब उतारने के बाद गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दे दी, लेकिन ट्रेन एक इंच भी बढ़ नहीं रही है, इंजन स्टार्ट है सब कुछ, लेकिन ट्रेन नहीं बढ़ रही है, सभी परेशान हैं ये कि हो क्या रहा है ये सब। वहाँ के लोकल मजिस्ट्रेट ने देख लिया, वो बाबा को पहचानता था मतलब जानता था, तो उसने जाके बताया कि साहब ऐसी ऐसी बात है, आप जब तक उनको बाकायदा सम्मान पूर्वक बैठा लेंगे नहीं ट्रेन में, तब तक आपकी ट्रेन हिलने वाली नहीं है। और पहले तो नहीं माना और ऐसा कुछ नहीं होता, और बड़ी मेहनत कर ली, बहुत देर तक तमाशा चला और सारी साइंस लगा डाली, इंजीनियरिंग लगा डाली, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद लास्ट में एक ही ऑप्शन आया कि गया, वो बाबा के चरणों में गिरा, माफ़ी मांगी और बाबा को बैठा ला ट्रेन में, और जैसे ही बाबा बैठे वैसे ट्रेन चल दी, तब से बाबा का नाम पड़ गया नीम करोली बाबा। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, साफ साफ लिखा हुआ है कि मंदिर परिसर में फ़ोन चलाना अलाउ नहीं है, फ़ोटो खींचना अलाउ नहीं है। तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि आज का व्लॉग यहीं समाप्त हो जाएगा, मैं जाता हूँ मंदिर के दर्शन करने, आपको मैं इस खुले आसमान और वादियों के बीच छोड़ के, तक आप एक काम करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और एक बार प्लान जरूर बनाइए नीम करोली बाबा के यहाँ आने का, क्योंकि यहाँ बहुत शांति है। जय सियाराम।